चाइना टीवी पावर सप्लाई की इस वीडियो में मैं आपको टास इलेक्ट्रॉनिक्स का खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूवर्स, मैं आज आपको चाइना टीवी पावर सप्लाई की एक ऐसे डेड टीवी का एक ऐसा फॉल्ट बताऊंगा जो कि नामुमकिन समझा जाता है और इसको आमतौर पर ठीक नहीं किया जाता। अगर इस तरह का फॉल्ट आ जाए तो वो पूरे बोर्ड को, जो मैकेनिक हजरात हैं, हमारे टेक्नीशियन हजरात हैं, वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं और एक नया बोर्ड रिप्लेस कर देते हैं। क्योंकि कुछ फॉल्ट इस तरह का होता है कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता, या मुमकिन तौर पे इसको ऐसा समझा जाता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ये सर्किट जो है ना, पावर सप्लाई, ये काम नहीं करती। इस पावर सप्लाई में भी कुछ ऐसे ही हुआ है। जब ये पावर सप्लाई, जब बोर्ड आया था पावर सप्लाई का, तो इसका जो, ये आपको मैं बताऊँ कि ये इसका मेन जो, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो मेन ट्रांसिस्टर है, ये इसका शॉर्ट हो गया था। और उस सूरत में ये आपकी पावर सप्लाई शॉर्ट होने से आपका ये फ्यूज़ भी जो है, ये भी जल गया था, ओपन हो गया था। फ्यूज़ चेंज किया और उसके बाद इस ट्रांसिस्टर को रिप्लेस कर दिया गया। इस ट्रांसिस्टर को रिप्लेस करने के बाद, ये ट्रांसिस्टर को रिप्लेस करने के बाद भी ये पावर सप्लाई ऑन नहीं हुई और उस बोर्ड को फिर बाद में रिजेक्ट करके फेंक दिया गया। फिर हमने आपके इस वीडियो के लिए इस बोर्ड के सिर्फ पावर सप्लाई हिस्से को सेपरेट करके निकाला है और इस पावर सप्लाई को, इस फॉल्ट को हम आपको बताएंगे कि अगर इस तरह का फॉल्ट आ जाए तो आपने क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये जो ट्रांसिस्टर आपको ये नज़र आ रहा है, ये पहले बंद होकर शॉर्ट हो गया था। तो ये हमारे पास पुराना ट्रांसिस्टर है, तो हम इसको चेक करेंगे कि ये शॉर्ट है भी कि नहीं, और ये नया ट्रांसिस्टर, ये क्या इसका बिहेवियर है। तो हम सब ये मीटर से, हम इसको पहले, अगर आपके पास डिजिटल मीटर है तो आप इसके, ये जो डायोड वाला ऑप्शन है, डायोड चेक करने के लिए ये जो ऑप्शन है, बीप वाला ऑप्शन है, तो वहाँ पर आप इसको सेट करेंगे। और पहले, सबसे पहले हम मीटर से इसको चेक करेंगे कि ये आपको बीप दे रहे हैं। अगर ये डिजिटल मीटर से अगर शॉर्ट हुआ, तो कोई भी चीज़ अगर पावर सप्लाई में शॉर्ट हो जाती है तो डिजिटल मीटर से आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर ये शॉर्ट हुई तो ये बीप देगी, अगर शॉर्ट नहीं होगी तो बीप नहीं देगी। उस सूरत में आपका ट्रांसिस्टर सही है, क्योंकि डिजिटल मीटर में आपकी मुमकिन जो भी रेजिस्टेंस है उससे कम आपको देगा, तो वो शॉर्ट, जो आपका ट्रांसिस्टर है वो शॉर्ट बिहेवियर करता है, तो वो आपको डिजिटल मीटर आपको बता देगा। तो इसको हम चेक करते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये आपके पास एक NPN ट्रांसिस्टर है और इसका ये मीटर है और ये उसका पीस, तो ये आपका शॉर्ट, आप जो भी पिन पे लगाएं वो भी आपको शॉर्ट बिहेव कर रहा है। हालांकि ये हमने दोनों तरफ से प्रॉप जो है वो चेंज करके लगाएंगे, फिर भी ये शॉर्ट बिहेव कर रहा है, तो ये ट्रांसिस्टर फॉल्टी है। तो इस ट्रांसिस्टर को रिप्लेस करके ये नया ट्रांसिस्टर एक लगा दिया गया था पहले, ये आप देख सकते हैं कि ये नया ट्रांसिस्टर इसमें लगा दिया। और अगर हम इसको चेक करेंगे इसी मीटर से, तो ये शॉर्ट बिहेव करते हैं, तो ये ट्रांसिस्टर यहाँ पे ठीक है। इसके बाद इस पावर सप्लाई में ये ट्रांसिस्टर चेंज कर दिया गया, फिर भी पावर सप्लाई जो है काम नहीं की। और इसके बाद इसके जो इसका ड्राइवर ट्रांसिस्टर है, ये जो यहाँ पे लगा होता है, आप अगर चाइना पावर टीवी पावर सप्लाई में देखें तो इसके साथ ही एक ड्राइवर ट्रांसिस्टर यहाँ पे ये लगा होता है, यहाँ पर। और इसके करीबी अगर आप ये देखें, इसके बेस पर लगा होता यहाँ पे, ये इसका बेस यहाँ पे, और ये इसके बेस के, इसके कलेक्टर के साथ लगा हुआ है, ये देखें आप यहाँ पर, ये शॉर्ट हो रहा है। इस ट्रांसिस्टर को भी चेक कर लिया गया, ये भी ट्रांसिस्टर ठीक है, लेकिन हम दोबारा चेक कर लेते हैं कि ये ट्रांसिस्टर शॉर्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे भी हमें डिजिटल मीटर से कोई बीप नहीं आ रही। अगर आप एनालॉग मीटर से चेक कर रहे हैं तो आप इसको ओपन करके चेक करेंगे सर्किट से बाहर निकाल के। अगर डिजिटल मीटर से चेक कर रहे हैं तो आप वैसे भी चेक कर सकते हैं बीप पे रख के। अगर आपको इस पर डाउट है कि ये ख़राब है, तो आप इसको सर्किट से बाहर निकाल के चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये ठीक ही है, तो इस वजह से इसको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही एक ऑटो कपलर के साथ, ये जो आपके दो ट्रांसिस्टर लगे होते हैं, जो फीडबैक ट्रांसिस्टर होते हैं, एक ट्रांसिस्टर आपकी प्राइमरी साइड पर लगा होता है, ये आपकी जो पावर सप्लाई की ये वाली मेन लाइन है, ये आपकी
ये प्राइमरी साइड है और ये जो आपका एसएमपी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसके आपके सेकेंडरी साइड है, तो एक सेकेंडरी साइड पे लगा होता है और एक प्राइमरी साइड पे। पहले हम प्राइमरी साइड वाला चेक कर लेते हैं जो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा होता है। तो ये भी शॉर्ट में शो कर रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये भी शॉर्ट नहीं है। हम इसके सेकेंडरी साइड पे जो आपका ट्रांजिस्टर लगा है वो चेक कर लेते हैं। ये भी ठीक है। और इसके बाद मैं नाज़रीन आपको बताता चलूं कि ये जो इसका ऑटो कपलर लगा हुआ है ये भी चेंज कर दिया गया था। मुमकिन तौर पर वो भी फॉल्टी नहीं था लेकिन इसको भी चेंज कर दिया गया फॉर रीज़न कि शायद ये मीटर से चेक ना हो रहा हो या बिहेवियर सही ना कर रहा, तो इसको भी चेंज कर दिया गया। इसके बाद ये चेंज कर दिया गया और इसके बाद जो बाकी जो आपको बाकी भी वन बाई वन करके ये रजिस्टर चेक कर ली गई ओपन करके, सब ये भी रजिस्टर ओपन करके चेक कर ली जो कि 68 ओम की लगी होती है। इसके बाद ये कैपेसिटर भी डिजिटल मीटर से अगर आपके पास है तो इससे भी चेक कर लिए लेकिन इससे भी कोई फॉल्ट हल नहीं हुआ। बाकी तमाम रजिस्टर भी ओपन करके और इसमें चेक कर लें, डायोड चेक कर लें, लेकिन कोई भी इसमें जो इस तरह का जो फॉल्ट है वो रिपेयर नहीं हो सका, क्योंकि जब मुमकिन फर्स्ट टाइम जब सर्किट इसमें ये पावर सप्लाई बर्न हुई थी तो इसमें सिर्फ जो फॉल्ट था वो इस एक ट्रांसिस्टर का था। एक ट्रांसिस्टर बर्न होने से जो है वो आपका पूरा पावर सप्लाई डेड हो गया था और ये चेंज कर देने के बावजूद आपकी पावर सप्लाई जो है वो आपकी ऑन नहीं हो सकी। तो इसमें हम सबसे पहले हम ये हमारे पास सीरीज बोर्ड है और सीरीज बोर्ड में हमने 200 वॉट का ये बल्ब लगाया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका सर्किट का बिहेवियर चेक करेंगे कि ये सर्किट वोल्टेज पे क्या बिहेवियर दे रहे हैं। आया कि ये सब ऐसे ये जो आपका एसएमपी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है कि इसमें से पावर सप्लाई इस ट्रांसिस्टर तक पूरी आ रही है कि नहीं आ रही वो हम चेक करेंगे। अगर नहीं आ रही तो फिर हम देखेंगे कि ये कहीं ये ओपन तो नहीं हो गया, वो चेक करेंगे और इसके आउटपुट देखेंगे कि ये वोल्टेज का क्या बिहेवियर है, वोल्टेज पूरे आ रहे हैं कि नहीं, कि वोल्टेज पूरे नहीं आ रहे कि ट्रांसफार्मर नहीं चल रही, पावर सप्लाई नहीं चल रही। और इसका ये सेक्शन ये हमने बाहर कर दिया है, ये सर्कल लगाया हुआ है, ये यहाँ पे आपके ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव, ये आपके 110 वोल्ट है। अगर यहाँ पे हमें 110 वोल्ट आप मिल गए तो इसका मतलब है ये कि ये पावर सप्लाई चल रही है, अगर नहीं मिले तो इसका मतलब है कि पावर सप्लाई नहीं चल रही या कम मिल रही है। कम मिल रहे हैं तो फिर भी देखेंगे ये फीडबैक इसको पूरी सही मिल रही है कि नहीं, अगर बिल्कुल डेड है तो उसका मतलब ये है कि ये इसका जो मेन जो आपका प्राइमरी साइड है इसमें फॉल्ट है। तो फिर देखते हैं कि ये क्या मसला है। सबसे पहले हम इसको पावर सप्लाई को, ये हमारे पास मेन मेन एसी है, एसी इन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से एसी इन है और यहाँ से हमने इसको कनेक्शन लगा के सेपरेट किया हुआ है। यहाँ से कनेक्शन हम इसको इसमें सीरीज में देंगे और इसका वोल्टेज का बिहेवियर चेक करेंगे। नाजरी ये हमारा सर्किट ऑन हो गया और यहाँ पे हमें 318 वोल्ट मिल रहे हैं तकरीबन मेन कैपेसिटर पे। इसका मतलब यह है कि हमारा पावर सप्लाई ऑन हो गई है लेकिन कोई शॉर्टेज नहीं है, शॉर्टेज होती तो यहाँ पे हमें ये जो हमारा सीरीज में लगा हुआ है बल्ब ये ऑन हो जाता, तो यहाँ पे हमें कोई शॉर्टेज मिली 320 वोल्ट मिल रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे ठीक है। लिया अब हम चेक करेंगे कि इस ट्रांसिस्टर पर वोल्टेज पूरे मिल रहे हैं कि नहीं। अगर आप सर्किट डायग्राम देखें आपके पास भी जो चाइना पावर सप्लाई का सर्किट है तो आप देखेंगे तो आपको ये जो आपका इसका एमिटर है ये आपका नेगेटिव पीएनपी एनपीएम ट्रांसिस्टर लगा होता है एनपीएम, इसके मीटर पे नेगेटिव डायरेक्ट नेगेटिव वोल्टेज दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इसके मीटर पे चेक करेंगे, मीटर पे नेगेटिव और आप इसके कलेक्टर पे पॉजिटिव वोल्टेज दिए जाते हैं जो कि इस एसएमपी ट्रांसफार्मर के थ्रू आए होते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये आ रही है इसके साथ और यहाँ से ये बाइंडिंग इसके थ्रू गुजर के, तो यहाँ पे चेक करेंगे कलेक्टर पे और मीटर पे वोल्टेज आपको पूरे मिल रहे हैं कि नहीं। तो ये देखिए आपको 320 वोल्ट पूरे के पूरे इस कलेक्टर पे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेन पावर सप्लाई आपकी इस जो है मेन ट्रांसिस्टर तक पहुंच रही है और इसके बावजूद भी आपके पास, और अब हम देखेंगे पहुंच रही है इसका मतलब है कि मेन पे आपके ट्रांसफार्मर पे ये इसका जो एसएमपी ट्रांसफार्मर इसमें से होके आपके यहाँ तक पहुँच रही है और आप देखेंगे कि ये आउट जो आपके 110 वोल्ट वाली साइड है वहाँ पर वोल्टेज आ रहे कि नहीं आ रहे। तो पहले हम 1000 पे जा के इसको चेक कर लेते हैं, तो हम ये देखें कि आपको यहाँ पर इस जगह पर कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा, आप चेंज करके भी देख लेते हैं
डिजिटल मीटर है, इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रही, ये देखें यहाँ पे हमें मेन पे मिल रही, और जहाँ पे 110 वोल्ट की जगह कोई नहीं मिल रही। हम ट्रेन डाउन करके देख लेते हैं, 200 पे देख लेते हैं, क्योंकि इसको 110 वोल्ट होते हैं तो फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रही, बिल्कुल 0 वोल्ट है। तो ऐसे सुर में क्या किया जाए? आपने यहाँ पे जो इसका फीडबैक, ऑप्टो कपलर भी चेंज करके नया देख लिया, ट्रांसिस्टर भी लगा के नया देख लिया, फीडबैक ट्रांसिस्टर भी बारी बारी उतार के देख लिया, नए करके देख लिया, फिर भी आपका कुछ ठीक नहीं। हालांकि अगर आपने मुमकिन तौर पर जो भी चीज़ें सब चीज़ें भी नहीं लगा दें तो ये आपका जो है ट्रांसिस्टर सप्लाई ऑन नहीं होती, तो आप इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो उसका देखेंगे कि इसका ऐसा क्यों फॉल्ट आता है कि ये ठीक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम इसको पावर सप्लाई को ऑफ करते हैं। वोल्टेज चेक करने के बाद अब हमारे पास एक ही चीज़ बच गई है जो कि हमने अभी तक चेंज नहीं की, और जिसको अपने हमने टेस्ट उस तरह से नहीं किया जिस तरह से इसको प्रॉपर तौर पर टेस्ट किया जाता है। वो ये है कि आपका ये जो SMP ट्रांसफार्मर है, या फेरेट को ट्रांसफार्मर कह सकते हैं, या आमतौर पर इसको चॉपर कह जाते हैं, तो इसको चेक करते हैं। इसमें क्योंकि चंद एक इसकी जो आपके सेकेंडरी और प्राइमरी की जो बाइंडिंग होती है वो बिल्कुल ही चंद बाइंडिंग्स होती हैं, और इसकी जो अगर बाइंडिंग्स की आप इम्पीडेंस चेक करें तो वो आपकी ओम एक ओम से भी कम होती है। तो इसको आप पहले हम इसको सर्किट में लगी हुई इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये कनेक्शन ओपन तो नहीं है, पहले हम इसको देखते चेक करेंगे। तो ये आपका कलेक्टर और ये आपका पॉजिटिव, एक मिनट, तो ये भी आपका कनेक्शन है, और इसका जो दूसरी साइड है आपका ट्रिगर वाली साइड जो कि आपका फीडबैक है, तो ये भी आपकी चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वोल्टेज मौजूद होते हैं लेकिन आपका ये जो है आपका सर्किट जो है ना ऑसिलेट नहीं करता, ऑसिलेशन नहीं कर रहा, और इसको ट्रिगर नहीं करता, जिसकी वजह से आपके जो सेकेंडरी साइड पर वोल्टेज है वो आपको बनते नहीं है। तो यहाँ पर ट्रिगर किस वजह से निकाले, या फिर यहाँ पर ये ऑसिलेटर जो सर्किट है ये वाला, ये इस ये वाला पोर्शन इस ट्रांसफॉर्मर को छोड़ के, ये जो आपका आपका SMP ट्रांसफार्मर की जो दूसरी वाइंडिंग है ड्राइवर वाइंडिंग, ये आपके ये जो ट्रांसिस्टर पे ये जो चल रही है, या यहाँ पे आपकी कोई डायोड ख़राब है, किसी वजह से ओपन है, ख़राब है, कुछ भी है, तो ये आपका ऑसिलेशन नहीं कर रहा। अगर ये ड्राइवर वगैरह भी आपने चेक कर लिया बिल्कुल ही ठीक है, कोई इसमें कोई चीज़ फॉल्ट नहीं है, आपने इसको भी हमने ड्राइवर इसकी वाइंडिंग को चेक कर लिया, ये भी सही है, इसकी प्राइमरी भी ठीक है, जो मेन वाइंडिंग है कलेक्टर वाइंडिंग वो भी ठीक है, तो फिर भी आपका जो है ये सर्किट ट्रिगर नहीं कर रहा, ऑसिलेशन नहीं कर रहा, और जिसकी वजह से ये आपका जो सेकेंडरी साइड पर वोल्टेज है वो नहीं बन रहे। तो इसको पहले हम इसमें तो चेक कर लिया, अब हम इसको जो एक ही चीज़ इसको जो SMP ट्रांसफार्मर है इसको निकाल के चेक करेंगे सर करने से। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं फिर चेक करते हैं। ये जो पावर सप्लाई है इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपने ना उतारी, आप देख सकते हैं कि ये इस पावर सप्लाई का क्या हाल हुआ है कि इसमें इतने एक्सपेरिमेंट किए गए हैं लेकिन फिर भी ये ठीक होने के नाम नहीं ले रही। तो ये आखिरी ये चीज़ आपके ट्रांसफार्मर में बचती है, लेकिन इसमें भी डाउट कंप्लीट नहीं किया जा सकता, हो सकता है ये ठीक हो सकता है नहीं ठीक हो। तो इसके लिए हमारे पास जो अगर आपके पास दूसरा ट्रांसफार्मर है, आपके स्क्रैच में कोई दूसरा ट्रांसफार्मर पड़ा है, क्योंकि इस तरह के SMP आपको मिलेंगे भी नहीं, अगर स्क्रैच में आपके पास दूसरा ट्रांसफार्मर अवेलेबल है तो आप उस पर चेक कर लेते हैं कि उसकी क्या बिहेवियर और इस ट्रांसफार्मर का क्या बिहेवियर है, दोनों को चेक कर लेते हैं। तो अभी इसको देखें, ये बार हमारे पास ये ट्रांसफार्मर है ब्लू, ये आपका जो आपने निकाला है, और हमारे पास एक और दूसरा SMP ट्रांसफार्मर है जो कि बिल्कुल ही हमने वर्किंग पावर सप्लाई में से निकाला है, ब्लैक कलर का और ये आपका ब्लू कलर का है। तो हम दोनों का बिहेवियर चेक करेंगे, ये आपकी इसकी सेकेंडरी साइड है, ये प्राइमरी साइड है, तो ये प्राइमरी साइड का हमारा कनेक्शन है, और ये इसी तरह भी हमारे पास ये भी प्राइमरी साइड कनेक्शन है, ये आपके पास ये कनेक्शन है, ये आपका पहला कनेक्शन जो आपका कलेक्टर के साथ है, और इसी तरह ये आपकी प्राइमरी साइड है, ये इसी तरतीब से ये आपकी, और इसी तरतीब से आपकी सेकेंडरी साइड है, ये कॉमन ग्राउंड है, ये भी कॉमन ग्राउंड है इसके पहले, तो ये इसी तरह है। तो ये देख रहे 0.76 आपकी इम्पीडेंस आ रही है। तो इसी तरह भी मेन कलेक्टर पे जिस पे आपके
320 वोल्ट आते हैं, वो आपकी वाइंडिंग पे चेक करते हैं कि ये जो अब हमारे पास ये वाला जो वर्किंग है, तो ये वर्किंग पे चेक करते हैं कि इस पर इसकी क्या कैसा आ रही है। तो इसकी पास भी 7/6 तो बराबर की है। इसकी आप इसकी हम इसकी भी चेक करते हैं ड्राइवर, जो कि उसके ड्राइवर सर्किट को देता है जो मेन के साथ है, तो इसकी भी आप सप्लाई यहाँ पर चेक करेंगे तो उसकी भी वही है 5/4। कोई इसमें लग नहीं रहा कि ये ट्रांसफार्मर ख़राब है या ठीक है। इसकी भी आपने चेक कर लिया, ये 110 है, ये कॉमन ग्राउंड है और साथ ही आपका ये 110 है। तो 110 पे आपके जो वाइंडिंग 0.7 दे रहे हैं, और अगर इस पर चेक करें 110 तो ये भी 0.7 है। फर्क तो कोई नज़र नहीं आ रहा। ये आपका नॉट कनेक्शन है और साथ आप देखें तो ये आपका 0.5 वोल्ट है, 0.5 वोल्ट कह रहा हूँ, 0.5 जो है वो इंपेडेंस है, रेजिस्टेंस है। ये आपका नॉट कनेक्शन हो गया और ये आपका 25 वोल्ट का 0.5 हो गया। तो इसी तरह आपका मेन जो अगर पावर सप्लाई चल रही है तो आपका ये 110 आने ज़रूरी है। 110 अगर आ गए हैं तो आपकी पावर सप्लाई चल जाएगी। फीडबैक के लिए 110 वोल्टेज से फीडबैक ली जाती है, बाकी से फीडबैक नहीं ली जाती। तो यहाँ पे 110 वोल्ट भी वाइंडिंग सही चल रही है, 25 वोल्ट भी सही चल रही है, मेन पे भी वाइंडिंग सही है और इसकी भी बिल्कुल बराबर ही है, लेकिन फिर भी ये ट्रांसफार्मर नहीं चल रहा। तो इसकी अब हम ये करते हैं कि ये जो हमने वर्किंग ट्रांसफार्मर निकाला है, वर्किंग पावर सप्लाई से, और ये फॉल्टी पावर सप्लाई से, तो अभी हम इसको स्किप कर देते हैं और इसको पावर सप्लाई में लगा के देखते हैं। पहले ट्रांसफार्मर में बस सर्किट में आपका ये यहाँ पे ये देखें ये खाली है, नॉट कनेक्शन है, यहाँ पे कोई इसके साथ कनेक्शन नहीं है। तो अगर कोई कनेक्शन आपका यहाँ पे इसके साथ कनेक्टेड है ट्रांसफार्मर का दूसरे सर्किट में, जिससे आप ये ट्रांसफार्मर उतार रहे हैं, तो आप इसको इसके बजाय यहाँ से आपका पिन चेंज करके आपने यहाँ पे लगानी है। अगर यहाँ से उतार के उधर लगा रहे हैं तो आपको 3 पे ये देख लीजिएगा अपने प्राइमरी साइड पे जो सर्किट है आपके कनेक्शन वो ठीक है, ये इसके साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं, वो आपने मैच करने हैं। इसके सर्किट को देख, इसके सर्किट को उसके सर्किट को देख के आपने ये कनेक्शन मैच करने पड़ेंगे, तब आप यहाँ पर इसके साथ मैच कर सकते हैं। तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, वाइंडिंग एक जैसी होती है, सिर्फ कनेक्शन आपस में सर्किट के डिज़ाइन के हिसाब से आगे पीछे हो जाते हैं, बस एक एक नंबर आगे पीछे होता है, वो आपने देख लेने हैं। तो आप ये देख सकते हैं, अभी हम ये हमारे पास जो ब्लैक कलर के ये इसको हम चेंज करेंगे इसके साथ ब्लू कलर के साथ, तो चेंज करके देखते हैं कि अभी सर्किट का हमारे का क्या बिहेवियर बनता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हमने इसमें ट्रांसफार्मर जो है वो चेंज कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि हमने ब्लैक ट्रांसफार्मर इसके साथ रिप्लेस किया है। अब हम चेक करते हैं कि इसका अब क्या वोल्टेज का क्या बिहेवियर है, सर्किट का क्या बिहेवियर है। हम इसको सप्लाई देके ऑन करके चेक करते हैं। उससे पहले आप कनेक्शन चेक कर लें कि प्रॉपर कनेक्शन हुए कि नहीं। ये आपका फॉल्टी SMP ट्रांसफार्मर है, इसको यहाँ पर रखते हैं। पहले आप इसको उस पर कर लेते हैं कि कनेक्शन सही हुए कि नहीं। ये आपका पॉजिटिव है और यहाँ से आपका दूसरा पास कलेक्टर पॉजिटिव कलेक्टर पे है और इसका मेन कनेक्शन सही है और इसका ये कॉमन ग्राउंड भी आ गया। तो ये आपका मेन कैपेसिटर है, यहाँ पे आपने वोल्टेज चेक करनी है। तो ये दोबारा आप इसको 1000 वोल्ट पे रखते हैं और इसको ऑन करके चेक करते हैं, देखते हैं कि हमारा सर्किट ऑन हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम इसके इस पर वोल्टेज चेक करते हैं। ये देखिए 320 वोल्ट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, 320 वोल्ट। इसके कलेक्टर पे चेक करते हैं और इसके मीटर पे, तो यहाँ पे भी हमें मिल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि 110 वोल्ट हमें मिल रहे हैं कि नहीं। हम 200 पे रेंज पे इसको रखेंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो ये देखिए नाज़रीन, हमें 98 वोल्ट मिल रहे हैं, जो कि आप 98 वोल्ट हमें मिल गए और
ट्रांसफार्मर जो है आपका काम करना शुरू कर दिया। ये हमारे पास 100 वोल्ट का एक वो है बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, तो इसको हम चेक करें। ये देखें वोल्टेज ऑन है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो SMP ट्रांसफार्मर है वो काम करना शुरू कर दिया है, और इसका जो फॉल्ट था वो SMP ट्रांसफार्मर का था। बस औकात ये जो है आपस में शॉर्ट हो जाती हैं, और जिससे ये DC पे चेक नहीं किया जा सकता क्योंकि ऑलरेडी इनकी एम्पिडेंस जो रेजिस्टेंस कह लें एम्पिडेंस कह लें बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये इसको चेक नहीं किया जा सकता। आमतौर पे अगर आपके पास ऑसिलेटर सर्किट है, इसी तरह का ऑसिलेटर सर्किट है जिसके अंदर आप लगा कर चेक कर सकते हैं, तो आप हमारे पास वाकई ऑसिलेटर और सर्किट सही काम कर रहा, पावर सप्लाई सही काम कर रही थी, तो आपने इसको ट्रांसफार्मर को दूसरे ट्रांसफार्मर में लगा के चेक किया। अगर आपके पास कोई वर्किंग पावर सप्लाई उसमें लगा के चेक करेंगे तो आपके नहीं चल रहा होगा, तो उसका मतलब यह है कि इसकी वाइंडिंग प्राइमरी साइड की वाइंडिंग या सेकेंडरी साइड की कोई वाइंडिंग एक जो है वो जल गई है, जो कि काम नहीं कर रही, और जो कि अगर आप इसको ओपन करेंगे तो फिर ही पता चल सकता है। तो अगर इस तरह का फॉल्ट आपके पास आ जाए जिसमें आपने तमाम आपने ट्रांसिस्टर रेजिस्टर वगैरह सब चेक कर लिया और सब रिप्लेस भी कर दी और उसके बावजूद आपकी पावर सप्लाई ऑन नहीं हो रही, तो आप ये SMP ट्रांसफार्मर आपके पास अगर मौजूद है आपके स्क्रैच में, तो वहाँ से रिप्लेस करके चेक किया जा सकता है कि इससे बावजूद कि आप बोर्ड चेंज करें या दूसरा बोर्ड लगाएं। तो अगर सिर्फ आपके पावर सप्लाई का फॉल्ट है और ये फॉल्ट आपको हल नहीं हो रहा, तो आप इस SMP ट्रांसफार्मर को चेंज करके देख सकते हैं। तो अगर सबका ठीक है तो मुमकिन तौर पर 100% आपका यही आपका SMP ट्रांसफार्मर ही ख़राब है, तो आप ये चेंज करेंगे तो आपका पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी।